हेलो दोस्तों, ये हमारे पास आज चार्जर आया है पुणे से, और ये रिपेयर करने के लिए दो चार्जर भेजे हैं। और आप इसे हम ओपन कर रहे हैं, हमारे पास अभी भी रिसीव हुआ है। ये हम बॉक्स ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, दो चार्जर हमारे पास रिसीव हो चुका है। ये दो चार्जर है जो बुरी तरह से बता रहे थे, क्लाइंट बता रहे थे कि जल चुका है चार्जर, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कितना डैमेज हुआ है चार्जर। बहुत बुरी हालत में पैकिंग हो रही है। अभी एक चार्जर ये है हमारे, देते हैं साइड में, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो दो चार्जर हमारे पास ये मिल चुका है। अब इसको ओपन करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों चार्जर बहुत बुरी तरह से जल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बुरी हालत में जला है चार्जर। और इस चार्जर में आप देख सकते हैं ये सब कुछ है, इसका निकाला गया है, निकल चुका है, दो कैपेसिटर है, सब कुछ इसका खराब हो चुका है। इस चार्जर का भी मतलब कहना है ये कि ये दोनों चार्जर बहुत बुरी हालत में है इस टाइम। और इस चार्जर में तो बहुत बुरा ब्लास्ट हुआ है। देखते हैं ये चार्जर कितना रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इसको आगे इसकी कार्यवाही शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये एक्जीकॉम का चार्जर रिपेयर किया जा रहा है। अब ये चार्जर में क्या प्रॉब्लम है ये चेक किया जा रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम फाइंड आउट होगा, उसके बाद ये इस चार्जर को रिपेयर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये एक्जीकॉम का चार्जर है। हमारे पास ये चार्जर तसल्लीपूर्वक बड़े आराम से किया जाता है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है देख सकते हैं किस तरह से हम चार्जर के अंदर के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके इसके कंपोनेंट बाहर निकाले जा रहे हैं।
रिपेयर करने की स्पीड कितनी फास्ट है, इससे ये पता चलता है कि एक्सपीरियंस वाले हमारे पास इंजीनियर जो हैं एक्सपीरियंस वाले हैं। काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि चार्जर को किस लेवल तक रिपेयर किया जा सकता है, किया जाता है। पीसीबी को पूरी तरह से पहले साफ किया जाता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट इसके अंदर जो निकाला गया है अभी वो लगाएंगे। Thank you.
हूँ।